ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਚਾਹ ਲੈ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਇੱਥੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਔਰ ਨਾਲ ਕੱਪ ਰੱਖ ਦਿਓ ਔਰ ਜਦੋਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ कोरियोग्राफी बिल्कुल तैयार है सारे मेहमानों और मोह है कि साडा जो भी साडे वेड़े आन असी पप्पा भार नचदे हाँ जो भी साडे वेड़े आन असी पप्पा भार नचदे हाँ मैं जी बधाई देनी चाहवागा कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम इत्थे भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस से मनाया जा रहा क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने साडा संविधान लिखा वा और वो बहुत ही एक वधिया इंटैलीजेंट इंसान सन और पछड़िया श्रेणियों चो उठ के उन्होंने विदेशों च एजुकेशन हासिल की और पछड़िया श्रेणियों चुकन लिए उन्होंने बहुत वड्डा काम किया तो उन्हां दा जिहड़ा नॉलेज आ उन्हां दा जन्म दिवन दिवस मनाउण दा जिहड़ा मुख उद्देश आ उन्हां दे जीवन तो सानू बहुत कुछ सीखण नूं मिलदा खास करके जिहड़ा गरीब वर्ग आ मैं उहनूं बेनती करांगा कि साडे जिहड़े बच्चे ने उन्हां दी विद्या बड़ी जरूरी आ। मेरे पिता जी स्वर्गी जथेदार सेवा सिंह सेखवां क्या करते सन स्टेजां ते गरीबां नूं खास करके एड्रैस करके कि रोटी भावां सुक्की खा लो कपड़े भवा माड़े पा लो पर अपने बच्चों जरूर पढ़ाओ। सिद्धू साहब तुहाडे फादर साहब टीचर से पेशे वजो जी बहुत ना पिछड़े लोगों काम भी किया जी हूँ जगरूप सिंह सेखवां भी एक्टिव ने पोलिटिकल पॉलिसी लाइन से जी सिद्धू साहब तो ताड़े को अं उम्मीद की रख सकते आने वाले जो मैनू मेरे स्वर्गीय दादा जी जथेदार उजागर सिंह सेखवां और मेरे पिता जी जथेदार सेवा सिंह जी सेखवां जो पीढ़ी दर पीढ़ी सानू विरासत जो मिलया ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾਉਣੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅੱਜ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ SC BC ਔਰ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਦੇ
प्री निर्वाण दिवस जिहड़ा 6 दसंबर नूं है। अज छुट्टी सी संडे नूं, असीं 5 दसंबर नूं ओह मना रहे हां। तो फगवाड़ा दी बहुत ही मशहूर ड्रामा कंपनी वालों अज द ग्रेट अंबेडकर शो जिहड़ा उहनां दे जन्म तों लै के उहनां दे मरण तक और उहनां तों बाद दे संदेश जिहड़े है उहदे बारे उहनां ने चानणा पाया। मैं बहुत धन्नवादी हां सारियां सभावां दा और आजाद रंगमंच फगवाड़ा दा जिन्हां दे कलाकारां ने बहुत अच्छा द ग्रेट अंबेडकर शो साढ़े धारीवाल शहर दे विच खेडिया और ये लोगों को एक बहुत बड़ा संदेश गया कि एडे महान बंदे एक दबे कुचले समाज दे विच पैदा हो के अपनी एजुकेशन की बदौलत वो दुनिया तो सब तो ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान बने और दुनिया के सब तो वड्डे लोकतंत्र भारत का संविधान उन्होंने लिखा। सो एक बड़ा वड्डा मैसेज है सारे लोगों के पढ़ना जरूरी हैगा, पढ़ के जुड़ना जरूरी हैगा और जुड़ के संघर्ष करना अपने अधिकारों लई वो जरूरी हैगा। सो ये ग्रेट अंबेडकर शो मैं सारे साथियों को कहांगा कि इस तरह अपने अपने पिंडों के अपने अपन सभावां के थ्रू ये जरूर जिहड़ी है इस तरह के नाटक करवाए जाण, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जिस प्रतिभा के मालक सन साढ़े भारत के लोगों ने उस प्रतिभा तक उन्होंने नहीं पहुँचा सके, पर असी सारे ने प्रण किया कि असी डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी का संदेश जिहड़ा हैगा वो घर घर तक पहुँचाना हैगा, पूरे समाज नूं पूरे भारत देश नूं फिर महान भारत देश बनाना है। इहदे मसीहा डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी दे बरसी तो एक दिन पहला उन्होंने बरसी के संबंध में प्रोग्राम किया है, बहुत अच्छा सारे समाज ने रल मिल के बहुत अच्छा सहयोग दिता है और खासकर फगवाड़ा तो आजाद मंच वालों का बहुत धन्यवाद, उन्होंने बड़ी अच्छी पेशकारी करके बाबा जी के जीवन पर चलना पाया है और लोगों को जाणू कराया है। धन्यवाद जी। जी अज इत्थे जो धारीवाल विच फगवाड़ा रंगमंच वालों प्ले किया गया डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी ते बहुत कुछ सिखा गया अज सानू, उन्हां दी जीवनी बारे, उन्हां दे संघर्ष बारे। उन्होंने कहा पढ़ो जुड़ो तो संघर्ष करो और संघर्ष तो बहुत देर का शुरू है साड़ी कम्युनिटी विच और टिल डेट जो लास्ट उन्होंने प्ले वालिया ने रंगमंच वालिया ने किया कि अज भी लोग उन्होंने स्टैचू तो डर रहे हैं, बुत्तों तो डर रहे हैं कि कितने वो कितने जिंदा तो नहीं हैं, उन्होंने तोड़न लग गए हैं और ये संघर्ष ही साड़ा हले भी जारी है कि असी हुण उन्होंने भी बचाना है। तो संघर्ष जारी रहेगा और साड़ी कम्युनिटी इसी तरह ही उन्होंने याद करती रहेगी तो उन्होंने अपने दिलों में अपने दिमाग च हमेशा लैके चलांगे और ता ही अगे बढ़ सकांगे।